अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ना मेरा ये हरा प्याज जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, तो इसका हार्वेस्टिंग नहीं किया और ये देखिए कितना बिखरा बिखरा सा भी बन गया है। तो आज मैंने सोचा इसका हार्वेस्टिंग करती हूँ और आप लोगों को इसका शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे आज किचन के लिए इसे यूज़ करना है। तो चलिए इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी फाइनली इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। तो ये मैंने थोड़ी सी इस वाले कंटेनर में लगाया था, इसके आगे वीडियो में मैंने शेयर की थी कि मैंने इसको कैसे मतलब ग्रोइंग किया है। तो अभी मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ ना। अब मैं इसको हार्वेस्टिंग कैसे कर रही हूँ आप देखिए, ताकि आप लोग भी अपने छोटे से बैल्कनी गार्डन में कर सके और फिर से इसके ना ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो मैं देखिए जड़ से नहीं कटिंग कर रही हूँ, मैंने सिर्फ जो है यहाँ से पकड़ रही हूँ और सीजर ले लिया और यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया। तो ये जो है ये मेरा किचन के लिए यूज़ हो जाएगा। बाकी जो ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है देख रहे हैं आप, इस कटिंग करने के बाद इसका ऐसा पोर्शन है, यहाँ से मैंने कटिंग किया। तो अभी जो ये कटिंग हो गया ना, ये यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा ग्रोइंग होना। तो जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शेयर करूँगी, क्योंकि हरा प्याज मुझे और भी कंटेनर में ऐड करना है। तो क्योंकि ये विंटर का कलेक्शन है और डेफिनेटली जो भी होगा इंशाल्लाह बेटर होगा। तो बस यही था आज का वीडियो, ठीक है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।